कार्तिक मास व्रत कथा महात्मय 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अत यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाह्न व्यापिनी तथा पराह्न व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु जी की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले, फिर तुलसी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार अर्ध्य, पाद्य और विस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क, दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रालयपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूलि की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अत इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुण्य तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें, फिर स्विष्टकृत होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है, जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वत गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें, प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरो यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है
वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए।